नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर एक वसई से, बड़ी अपडेट सामने आ रही है वसई से, जहां एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा आज पुलिस ने किया है। वसई के बाबाला क्षेत्र से एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक के घर से हुई नोक चोरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस ने 13,93,000 का माल बरामद किया है। आपको बता दें, मामला वसई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का है, जहां पर 30 नवंबर को ये चोरी अंजाम हुई दी गई थी। और ये चोरी अंजाम देने वाला कोई और नहीं, घर में काम करने वाला वॉचमैन ही था। परिवार, घर परिवार जब शादी के लिए बाहर गए हुए थे, तब वॉचमैन ने रभोका पाकर घर पे पूरा ही घर पे हाथ साफ कर दिया। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 13,93,000 का माल पुलिस को बरामद हुआ है। इसमें 80 किलो वजन के चांदी के बर्तन, दागिने, सोने के दागिने, 10 घड़ियाल, एक लैपटॉप, एक आईपैड और 1,23,000 रुपये शामिल है। ऐसी भी जानकारी सामने आई कि जो आरोपी है ये प्रदेश के रहने वाले हैं और इस कारनामे को करने के बाद में ये यहाँ से फरार होने की फिराक में थे। वसई पुलिस के अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए 350 किलोमीटर पीछा करते हुए उनको गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। दो दिनों के अंदर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और शायद अगर इसमें चूक होती तो शायद ये आदमी देश छोड़ के भी जा सकते थे। और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर वसई के डीसीपी, वसई जोन 2 के डीसीपी संजय पाटिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी, वो आप सुनेंगे आगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि घर में वॉचमैन रखने के पहले हर एक घरवासी को वॉचमैन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और पुलिस से वेरिफिकेशन करना चाहिए। यह मामला भी ऐसा ही है। इसमें हालांकि घर पर कोई नहीं था, इसके लिए चोरों ने किसी तरह की अनहोनी नहीं की, सिर्फ चोरी हुई थी और जो भी अब उसका पूरा सामान माल बरामद हो चुका है। सुनिए संजय पाटिल, डीसीपी जोन 2 को। वसई पुलिस स्टेशन के एरिया में 30 तारीख को एक मेजर जो घरपुड़ी है, चोरी का कंप्लेंट रिसीव हुआ था। जो घर है वो मेडिकल प्रोफेशनल है और वो शादी के वजह से फैमिली पूरी उनकी औरंगाबाद चली गई थी। सुबह जब साफ सफाई करने वाली जो भाई आने के बाद उनको पता चला कि सब घर में, सब बेडरूम्स, लॉकर्स और सब कबर्ड तोड़ के जो भी उनका वैल्यूएबल मुद्दे वाला है वो सब चोरी हुआ है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली हमने डॉग स्क्वाड बुलाया, फिंगरप्रिंट स्क्वाड बुलाया, 4 टीम बनाई और उस तरह से जो घटनास्थल पे जो सीसीटीवी है उसके बारे में और आजू बाजू के एरिया में सीसीटीवी है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। फैमिली की तरफ से उन्होंने एक वॉचमैन रखा था, उसका नाम, मोबाइल नंबर और फोटो, उतना ही अपने पास क्ल्यू था। फुटेज सीसीटीवी जो है वो भी एकदम डार्क, अंधेरे में थे और उन्होंने कैमरा टर्न करके रखा था, तो वॉचमैन इन्वॉल्व है कि नहीं वो भी अभी तक इंश्योर नहीं हो रहा था। वॉचमैन का मोबाइल भी बंद आ रहा था, तो नेपाल से वॉचमैन है इसलिए हमने नेपाल के जो रिलेटेड इन्फॉर्मर है, कुछ हमारे रिलेशन में है जो यहाँ पे रहने वाले, काम करने वाले हैं, उनसे हमने इंफॉर्मेशन ली। तो इसका रिलेटिव सब पनवेल में है ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था। पनवेल में टीम इमीडिएटली भेजी गई, वहाँ से पता चला कि उनके रिश्तेदार बाकी सूरत में भी है, वो पनवेल में मिले नहीं। जब सूरत में हम गए उनके रिलेटिव के घर और सूरत पुलिस की भी मदद ली गई थी, 7-7:30 बजे दूसरे ही दिन पहुंची थी टीम। तब तक रिलेटिव से पता चला कि ये 3 लोग आए थे, बैग्स वगैरह उनके पास थी और 5 बजे वो नेपाल के लिए बस पकड़ के सूरत से निकले हैं। बस स्टैंड पे जाके हमने डिटेल्स लिया बस के बारे में, ऑनलाइन सर्च किया तो बस के बारे में और उसके रूट के बारे में हमें पता चला। बस के ड्राइवर्स, कंडक्टर का नाम, नंबर मिले तो उनको भी फोटो भेज के वेरीफाई किया कि बस में ये आरोपी उनके सामान के साथ है क्या, तो उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल देने के बाद वो बस का पीछा करना चालू कर दिया। ड्राइवर ने भी उसमें साथ देते हुए बस का स्पीड स्लो करके हुए लगभग 350 किलोमीटर के बाद गोधरा में वो बस हमने इंटरसेप्ट की वसई पुलिस स्टेशन ने, और वहाँ से बस में से ही 3 आरोपी और पूरा जो गुने में गया हुआ माल है वो 13,93,000 रुपये का माल वो बस में ही मिला और उनको अरेस्ट कर लिया है। 4th आरोपी है वो अभी तक फरार है, उसको अभी अटक करना बाकी है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है।
मुख्य आरोपी कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है? मुख्य आरोपी है सुरेंद्र बोगाड़ी, ये मुख्य आरोपी है। वो जो कंप्लेनेंट है उसके घर में एक साल से वॉचमैन का काम करता था, और उसी ने उसके रिलेटिव, दो सूरत के रिलेटिव और एक पनवेल का रिलेटिव, उनको बुला के ये गुने को अंजाम दिया है। सर आपस में रिलेटिव है लोग? रिलेटिव है। सर इसमें इनपुट कितने दिया था और कितने दिन देखिए लोगों ने आरोपी ने किया था? एक साल से तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो उनको मालूम था कि कंप्लेनेंट जो है, जिसने कंप्लेंट दिया है उसके घर का आने जाना वो अलग रास्ता है, जो पब्लिक यूज करती है वो रास्ता नहीं है, तो उसको सब घर के बारे में पूरा मालूम था। वैसे सर वॉचमैन के बारे में कुछ आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, वॉचमैन रखना अच्छा है सिक्योरिटी के लिए, वो हम भी लोगों को बोलते हैं कि वॉचमैन रखिए, लेकिन उसमें उसके अगर पूरे डिटेल लेके रखे तो बेटर रहता है। अगर वो ये नेपाल में जाते हैं तो उनको पकड़ना और जो गुने में गया हो जो माल है वो रिकवर करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सर ये बात सच है कि अगर पुलिस बसे पुलिस के ऊपर बराबर निगाह नहीं रखती तो आरोपी नहीं मिल जाते और आरोपी निकल जाते हैं? हाँ, केस के इन्वेस्टिगेशन में स्पीड ये सबसे इम्पोर्टेंट था। थोड़ा भी डिले हो जाता और उन्होंने बॉर्डर अगर क्रॉस किया होता तो मालूम होके भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये इशू है। इसमें सीनियर पी आई कल्याण राव करपे के गाइडेंस में पी आई क्राइम ऋषिकेश पवड़ है, डिटेक्शन ब्रांच के ए पी आई पवार, ए पी आई सुरोसे मालावकर मुंडे, कांस्टेबल अमोल पाटिल, अमोल बर्डे और जादव भालेराव, इन लोगों का सहयोग है। 48 आवर्स में आरोपी को पकड़ के 100% मुद्देमाल उसमें रिकवर कर दिया है। ते स्क्रू ड्राइवर लागले होते त्यांना, त्यामुळे ते आम्हाला वाटलं उलट, त्यावेळेला असं पॅनिक होतं की वॉचमॅनला वगैरे काय केलं का, घातपात ती पण शक्यता होती, आणि मागे सॉल्ट पॅन असल्यामुळे आम्ही सगळी झाडी सुद्धा चेक करून पाहिली, त्याला कुठं काय डम बिम मारून टाकला काय, ती एक शक्यता होती। घरचे सीसीटीव्ही आहेत, ते टर्न केलेत आणि टर्न करण्यापूर्वीच आलेलं आहे, परंतु ते अंधुक एकदम, त्यात वॉचमन होता की नाही हे दिसत नव्हतं। मग बाबुलाला आपल्याला सीसीटीव्ही आहेत, त्यातून आपल्याला मिळाले। तसं सर गुन्ह्यामध्ये आरोपीने किती वेळ घेतला गुन्हा करण्यासाठी? तो फॅमिली घरात नव्हती रात्री, त्याच्यामुळे त्यांना पूर्ण वेळ मिळाला, त्याच्यामुळे त्यांनी त्या काळात 4 बेडरूम, स्टोर रूम, हॉल सर्व त्यांनी चेक करून सर्व कपाट चेक केले, त्यामुळे भरपूर वेळ मिळाला। 5:00 ते निघून गेले दिसून येतं आपल्याला। किती वाजता एंटर केला होता? इंटरचं टायमिंग काय? 21:52 म्हणजे 10:00 पहाटे 5:00। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।